ये पहली बार नहीं है कि जब हम यहाँ गणेश जी के चढ़ाई कर रहे हैं भाई साहब, हम तो खुद ही गाइड हैं जन्मजात। हाँ, ये नौलखा पोल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण गेट देखिए आप, ये नौलखा गेट है। ये दो देवियाँ खड़ी है काले चश्मे में, इनकी आंखें क्या खराब रखी है, आंखें आई हुई है इनकी, दोनों की आंखें लाल है, रात भर से ऐसे कैसे वीडियो में डलेगा। हाँ, कैसा लग रहा आपको गणेश जी दरबार में जाने का? मजा आ गया। ये लेंगे क्या? बोला गणेश जी भगवान की जय जयकार। यहाँ चढ़ाई जो है इतनी कठिन चढ़ाई नहीं है, आराम से चढ़ा जा सकता है। लोग यहाँ चढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये बिग बॉस हमारे साथ हमेशा, जब जब भी गणेश जी दरबार में गए। आओ आओ पधारो, फ्रेम में से निकलते जाओ। शाबाश शर्मा जी, कैसा लग रहा आपको? चढ़ रहे हैं गणेश जी के दरबार में जा रहे हैं। देखिए हमने जो नई गाड़ी ली है, गणेश जी की अति कृपा से जो है गाड़ी हमने ली है, और यही वो स्थान है जहाँ कहते हैं कि पत्थरों से घर बनाने पर अपना स्वयं का घर बन जाता है। ऐसा और किसी के साथ हुआ ना हुआ, पर हमारे साथ जरूर हुआ है। ये बालाजी महाराज, जय गणेश जी भगवान। ये गाइड है देख लो, फिल्म चलेंगे हमारे साथ। चल भाई, नहीं फिल्म नहीं चलेगा। और यहाँ से जो है मुख्य चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ रणथंभौर दुर्ग के बारे में जो है वो दिया हुआ है, सांसों के उतार चढ़ाव के साथ में आप गणेश जी दरबार के दर्शनों के लिए चढ़ सकते हैं। ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग भारत के सर्वाधिक मजबूत दुर्गों में से एक है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैं पूरा इसको कवर कर रहा हूँ, और अंग्रेजी में भी यहाँ लिखा हुआ है जहाँ आप इसे पढ़ सकते हैं। कोई मेरी भी ले लो रहा भाई। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। तो गाड़ी के मुहूर्त के लिए, गाड़ी की पूजा के लिए हम गणेश जी दरबार की तरफ जा रहे हैं। मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल, आपका दोस्त। चलिए मिलते हैं, और रणथंभौर दुर्ग की एक खूबसूरती, खासकर जब आप बारिश के मौसम में यदि आते हैं तो उस समय मौसम बहुत ही खुशनुमा होता है और बहुत ही अद्भुत मनमोहक दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो एक कटा सा मुंह आपको जो है पत्थर सा दिख रहा है, ये गद्दार का है ना, ये इसके पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे कि आखिर ये सर जो है यहाँ क्यों रखा गया गेट पे। ये देखिए सलाखों के पीछे इस गद्दार का सर रखा गया है, ये हाथ पैर भी काट करके। जय श्री गणेश। ये हाथी पोल है, हाथी पोल के बारे में अधिक जानकारी हम आपको बाद में बताएंगे।
बड़ा ही अद्भुत दृश्य। चलिए आगे सवारी बढ़ाते हैं, आ जाओ। विरासत को संजो कर रखें और गौरवान्वित अनुभव करें, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ से आप जो जोन है, जोन ये कौन सा जोन है पापा जी? ये जहाँ पानी दिख रहा है, ये एक नंबर जोन। अभी पानी अच्छा है इधर, देखो इधर देखो पानी। हेलो, इधर देखो पानी। जा जानवर, जा जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। ऊपर से और दिखेगा उस खिड़की, इसमें खड़ा हुआ था ना मास्टर तू पिछली बार, ध्यान है छतरी में, इसका तरह मैंने बनाया था। तो ऊपर से खड़े होना। यहाँ घोड़े का वो है खुर के निशान, जहाँ से घोड़ा ऊपर चढ़ गया था, ऊपर चढ़ा के नीचे, ऊपर चढ़ा था क्योंकि ये गेट बंद कर दिया था, निशान दूसरा होगा। ये गेट ना बंद कर दिया था ताकि ये निशान एक ही जगह है, दूसरे और भी है। ये नीचे वाला है, और है देखो ऊपर वो थोड़ा, वो देखो इसमें दिखाता हूँ आपको, ये देखो बैठ जाइए। नमस्कार, क्या हालत हो? जी के मंदिर की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये गणेश पोल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ गणेश जी की एक प्रतिमा यहाँ भी स्थापित है और ये गणेश पोल के हम दर्शन आपको करा रहे हैं। ये गणेश पोल, ये गणेश पोल का एंट्रेंस है। गणेश पोल से लोग आते और जाते हुए, देखिए जब भी आप रणथंभौर गणेश जी के दर्शनों के लिए आएँ, ये डस्टबिन जगह जगह रखे हुए हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, मेहरबानी करके सीढ़ियों में रास्ते में कचरा ना फैलाएं। वैसे तो आप अपने साथ में ऐसे कोई खाने पीने की चीज़ ना लेकर चलें, फिर भी यदि आपके साथ कोई मजबूरी है आप डस्टबिन का प्रयोग करें। कचरा पात्र जगह जगह लगाए हुए हैं, स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने साथ पानी की एक बोतल जरूर से रखें। वैसे रास्ते भर में आपको पानी पीने के लिए जगह जगह पानी की प्याऊ मिल जाएगी, फिर भी अपने साथ आप पानी की एक बोतल रखें। जिन लोगों के सांस लेने की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग जो हैं ऊपर गणेश जी दरबार में ना ही जाएँ तो ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा कठिन चढ़ाई नहीं है, किंतु फिर भी जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो है आप चढ़ाई करें। ये अंधेरी पोल है क्योंकि इसके आगे जो है एक टनल सी आती है जिसमें रोशनी आसानी से नहीं आती है, इसलिए इसका नाम अंधेरी पोल रखा गया। ये देखिए, अति सुंदर दृश्य दर्शयामी। और ये माड़ साहब के दर्शन फिर से हो गए हैं। ये हर फ्रेम में जो है पता नहीं कैसे प्रकट हो जाते हैं भगवान विष्णु की तरह। देखिए क्या इस्माइल है, क्या मूछ है। ये अंधेरी पोल से हम अब बाहर आ चुके हैं और यहाँ शिशु देखभाल कक्ष है,
बेबी केयर रूम है जहाँ माताएं अपने बच्चों को जो है दुग्धपान करा सकती है। ये अंधेरी पोल से लोग आते हुए, बेहद खूबसूरत दृश्य। और अभी शीघ्र ही हम गणेश जी दरबार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रास्ते में कई बंदर भी यहाँ हमको देखने को मिलेंगे। रणथंभौर फोर्ट का गाइड मैप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अंधेरी पोल से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, ये देखिए वर्ल्ड हेरिटेज माउंटमेंट में इसे शामिल किया गया है, जहाँ आप पढ़ सकते हैं। और ये पूरा गाइड करने के लिए सुख सागर, बड़ा सागर, पद्मावती तालाब। देखिए जब भी आप यहाँ रणथंभौर आए, ये देखिए दुर्ग जो महल जो हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, कितने विशाल महल हुआ करते थे। तो गणेश मंदिर की तरफ जो है ये रास्ता जा रहा है, ये साइन बोर्ड आपको दिखा रहा है कि गणेश मंदिर की ओर रास्ता जा रहा है। रास्ते में ये देखिए 32 खंभों की छतरी मिलेगी। और यहाँ एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर जो है, शिवालय स्थापित है, जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि आप जब भी रणथंभौर दुर्ग जाएं, इस शिव मंदिर के दर्शन जरूर से करके आएं। ये देखिए गणेश जी मंदिर के रास्ते में, आप देखिए दो रास्ते हैं, इधर से भी आप गणेश जी जा सकते हैं, और ये 32 खंभों की छतरी होते हुए जहाँ शिवालय स्थापित है वहाँ से भी आप गणेश जी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। हमारे साथ में श्रीमान दिनेश गुप्ता जी हैं, डीके गुप्ता साहब, जिनकी गाइडलाइन में हम आज गणेश जी के अति पावन दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और आप यहीं विराजमान हैं सवाई माधोपुर में, हमारे अति परम आदरणीय डीके गुप्ता साहब का आशीर्वाद है हमारे पे। और देखिए सांसों के उतार चढ़ाव के साथ आखिर हम लगभग 80% चढ़ाई हमने कर ली है। और ये 32 खंभा छतरी आप यहाँ देख रहे हैं, 32 खंभा छतरी जिसका इतिहास यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 32 खंभा छतरी। इसी 32 खंभा छतरी के नीचे जो है हालांकि महिलाओं ने सुबह दबा के नाश्ता किया है, लेकिन फिर भी जो है ठीक से चल नहीं पा रही है, क्योंकि महिलाएं तो महिलाएं हैं भाई। क्यों था, चलो और ये 32 खंभा छतरी की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसके बाद में आपको शिवालय के दर्शन कराएंगे। हैं नहीं नहीं इधर से 32 खंभा छतरी के आनंद के लिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये 32 खंभा छतरी, ऐतिहासिक सरमदी को ये क्षेत्र जो है, ये फोर्ट दिखाता है कि राजस्थान का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। राजस्थान के राजा महाराजा महाराजाओं के ठाट बाट दिखाता ये फोर्ट, ये महल चारों तरफ से हम कवर कर रहे हैं। Thank you.
और अब उस अद्भुत प्राचीन मंदिर की ओर लेकर चलते हैं आपको, भोलेनाथ शिव का मंदिर जो है, जहाँ प्राचीन शिवालय स्थापित है। तो चलिए इस मंदिर की ओर चलते हैं। ये मंदिर देखिए, जहाँ छतरी की सीढ़ियाँ है, यहाँ इसके ठीक नीचे ये देखिए ये गेट, यहाँ से ये आप इधर से आइए और इधर से इसका गेट है, यहाँ से अंदर घुस के और आप शिवालय के दर्शन कर सकते हैं। जूते चप्पल बाहर खोल के जाइए, ये गेट है और यहाँ से हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। भोले नाथ शिव का अद्भुत बम बम भोले, शिव शंकर शंभु शंभु त्रिपुरारी शंभु त्रिपुरारी। इधर होना, इधर भी डाल देना, शिव शंकर शंभु शंभु त्रिपुरारी शंभु त्रिपुरारी। ये अति प्राचीन शिवलिंग के दर्शन आपको यहाँ हो रहे हैं। बीलपत्र इत्यादि आप यहाँ चढ़ा सकते हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अति प्राचीन ओम नमः शिवाय नमः शिवाय जल, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। लो सर धन्यवाद। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। क्योंकि इस छतरी के जो गुंबद पे जो है, देखिए कि ये कलश स्थापित किया हुआ है जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है इसमें, और पशु जो है, पशु तो नहीं पक्षी, पक्षी जो है चिड़िया वगैरह इसमें जो है पाना पानी पीने के लिए आते हैं। देखो जवान कैसे फिसल रही है पाना। तो ये जो है, अब इधर से जो है, यहीं से 32 खंभों की जो छतरी है, इसका जो गेट है, यहाँ से आप जो है उल्टे हाथ की तरफ से आगे बढ़ जाएंगे तो गणेश जी का जो है मंदिर आपको ये रास्ता लेकर जाएगा। तो आप चलते हैं इधर गणेश जी दरबार की ओर। इधर से जो है ये 32 खंभों की छतरी के उल्टे हाथ की तरफ से जो है आपको आगे बढ़ जाना है गणेश जी दरबार के लिए। और यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं 32 खंभों की इस अद्भुत छतरी को पूरा कवर करने की। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर होने वाला है। बहुत ही प्राचीन बिल्डिंग है ये, 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना ऐसा माना जाता है। और कितना 1000 वर्ष से भी पुराना है ये फोर्ट। अलाउद्दीन खिलजी के पहले का ये बोतल देखिए, क्या दाना दाना डालने के लिए, चिड़ियों का घर है, चिड़ियों का दाना है, घर है, लोगों ने चिड़ियों के आशियाना भी यहाँ पर बनाया हुआ है। घर मत बोलिए, आशियाना बोलिए, चिड़ियों का बंगला है, बहु मंजिला बंगला ना सही पर है तो सही। अपने साथ में कुछ दाने, गेहूं के दाने या फिर बाजरा मक्की, यहाँ विचरण करने वाले पशु के लिए पक्षियों के लिए आप खाना दाना लेकर आ सकते हैं। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। जंगल में वैसे कहते हैं कि भगवान ने जिसे चोंच दी है उसे वो दाना भी देते हैं, लेकिन आप अपने हाथों से कुछ पुण्य कर्म यहाँ कर सकते हैं। लोग यहाँ इस
दीवार के सहारे सहारे देखिए आप, ये दाना जो है पक्षियों के लिए डाल कर गए हैं, और आप भी अपने साथ में दाना लेकर आ सकते हैं। फिर से आपसे निवेदन है, जगह जगह पर देखिए ये प्राकृतिक जंगल है, इसकी सुंदरता बनाए रखना आपके हाथ में है। यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके देश के लिए कुछ गलत बात कहें बाहर जाकर। तो जगह जगह कचरा पात्र रखे हुए हैं जहाँ आप इनका उपयोग कीजिए, और कचरा जो है अगर आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ है, ये हमीर महल है, ये देखिए ये जो महल दिख रहा है आपको, ये हमीर महल है। इधर एक तालाब भी था ना, आगे आएगा, आगे आएगा। और ये इधर ये राज मंदिर है, इधर राज टेंपल है, चलना क्या था? गणेश टेंपल के अपन उधर से आते हैं ना, सीधा हाथ की तरफ जो है राज टेंपल है, जहां आप जा सकते हैं, अन्यथा आप सीधे जो है गणेश टेंपल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बहुत ही ऐसे ऐसे अद्भुत पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। और अब मैं आता हूँ अपनी बात पर। देखिए ये किसी ने पूरा का पूरा पूरा शहर ही खरीद लिया जैसे कोई। ये देखिए इतना बड़ा मकान जो है बना कर गए हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा मकान बनाया, और यहाँ आपको काफ़ी सारे मकान देखने को मिलेंगे पत्थरों से। कहते हैं कि यहाँ जो भी व्यक्ति पत्थरों से अपना घर, ऑफिस, कार बना के जाते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ जो है पूरी होती है। शायद सभी की मनोकामना गणेश जी भगवान पूरी करते हैं, शायद नहीं 100% पूरी करते हैं, हमारी मनोकामना तो पूरी हुई है। और हम जो हैं, हमने अभी नई कार ली है इसके लिए, है जी। ये देखो क्या बता रहे हैं, हाँ बताइए। बता रहे हैं कि ये बनाने के लिए किसी का तोड़ना पड़ेगा, नहीं पत्थर कहाँ से लाओगे इतने सारे? फिर पत्थर लेकर आ जाएंगे साथ में इस बार जब आएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, पत्थर तो क्या है जी, पत्थर तो अब साथ में लेकर आ जाएंगे। क्या सही है साहब ये बात, घर बनाने से बनता है? हाँ, हमारे एक भाई साहब यहीं पे रहते हैं, वो उन्हें ही बताया जो कि बनाते हैं नहीं। हाँ। तो वो बिल्कुल बनता है जो कहीं। अच्छा, क्या कैसे बनाओगे, टेढ़ा बनाओगे, सीधा बनाओगे आप? लेकिन बनेगा जरूर, बनेगा जरूर, बनेगा। सुन लो मुदित शर्मा जी, आप आपके 2 बीघा जमीन तो आपने ले ली है, लैंड तो तैयार है, स्ट्रक्चर तो आप बना लो यहाँ पे। ये देखो ये तो बने हुए मकान है, बने हुए मकान है इनको। ये देखो ये भाई साहब जा रहे हैं बनाने मकान, बना लो भाई साहब बना लो। जय श्री गणेश। कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, कोई जगह नहीं छोड़ी है लोगों ने। ये देखो ये गुफा के अंदर भी लोगों ने घर बना लिए है, जो लोग बाबा जी बनना चाहते हैं उन्होंने ऐसे स्थानों पर जो है भवन बना के गए थे, ऐसे खिड़की दरवाजे सब बना के गए थे हम भी, ऐसे पत्थर लगा के ऐसे कि दो खिड़कियां बना के गए। अलग जगह चल के पत्थर ढंग से मिल जाएंगे ना, ये बिल्कुल अलग कॉलोनी बसाएंगे, इनकी कॉलोनी अलग ही रहेगी। 2 बीघा में बसाएंगे, 2 बीघा में क्या, 200 एकड़ तैयार है हमारे, 200 एकड़ में। फूफा जी उधर चले गए, कल जो यहाँ के स्थानीय लोग हमें मिले। भाई साहब इधर आओ ना यार, नाराजगी है क्या? नहीं नहीं फुल। ये देखिए जगह जगह जो है ये घर बने हुए हैं भाई साहब, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? ये क्या है? ये घर इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ बनाने से, ऐसे बोलते हैं कि पिछली परंपरा की यहाँ बना के जाएंगे तो अपन को आगे भी तैयार मिलेगा, मतलब आने वाले टाइम। तो आपने देखा ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ? बताते हैं, वैसे देखा तो प्रसंग में है नहीं है, लेकिन बताते हैं। किसी का आपका में से किसी का अनुभव है ऐसा? बड़े बड़े सुना है, बाकी ऐसे नहीं है। मतलब मान्यता है, और कुछ बता सकते हैं आप यहाँ? और तो ऐसे बाकी ऐसे नॉलेज तो है नहीं है, जो गाइड करने वाले उनसे एक बार मिल लेते हैं। अच्छा ठीक साहब, धन्यवाद। तो देखिए स्थानीय लोगों ने जैसा कि बताया है कि यहाँ लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि जो लोग यहाँ अपने घर बनाते हैं उनका जो है सही में घर बन जाता है आगे आने वाले समय। तो ये सभी लोग गणेश जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में त्रिनेत्र गणेश जी का ये एकमात्र मंदिर है रणथंभौर दुर्ग के चोटी पर, और आपको कहीं भी गणेश जी का ये रूप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ गणेश जी
तीन नेत्रों के साथ में विराजमान है और अपने पूरे परिवार के साथ रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ यहाँ पर विराजमान है। ऐसे अति दुर्लभ दर्शन आपको रणथंभौर दुर्ग त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर किले में ही होने वाले हैं। तो जब भी आप दर्शनों के लिए आएँ कचरा पात्र का जरूर से ध्यान रखें और गणेश जी का ध्यान लगाते हुए जब आप गणेश जी दरबार में जाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो अवश्य पूर्ण होती है। देखिए हजारों की लाखों की संख्या में लोगों ने यहाँ अपने घर बनाए हुए हैं और आगे कुछ लोग जो हैं घर बना रहे हैं। आप लाइव देख सकते हैं किस तरह से लोग अपना घर जो यहाँ पर बना रहे हैं और इनके मन में एक आशा है एक श्रद्धा है कि अपना घर बनाने से। क्या साहब घर बन रहा है? कहाँ से पधारो आप? बॉम्बे से? अरे बाप रे, देखो बॉम्बे से पधारे हैं तो ये क्या सही में घर बन जाता है क्या ऐसा बनाने से? श्रद्धा रखो गणेश गणपति जी की। देखो साहब गणेश जी महाराज बहुत दूर से आए हैं बॉम्बे से महाराष्ट्र से जो है और गणेश जी दरबार में पूरी श्रद्धा के साथ आए हैं। आप भी आइए। जय गणेश जय गणेश। यहाँ पर जो है ये कुंड बना हुआ है, इस कुंड में स्नान करना खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर जहरीले जीव जंतुओं का वास है। और ये कुंड हम आपको दिखाते हैं, ये गणेश जी दरबार के पहले आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। और सिद्धपीठ कालिका मंदिर जो है इस रास्ते से जो है आप जा सकते हैं कालिका मंदिर की ओर और इधर से बस अब कुछ ही क्षणों में गणेश जी दरबार हम पहुंचने वाले हैं। गणेश जी के दर्शनों के लिए हम पहुंचने वाले हैं। ये रणथंभौर दुर्ग कहते हैं कि दुनिया का सबसे अजय दुर्ग है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है। और देखिए यहाँ ये खाई है इतनी गहरी 100 फीट से भी ज़्यादा, 100 फीट तो कम ही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गहरी जो है खाई यहाँ पर है जहाँ कोई दुश्मन यहाँ अटैक नहीं कर सकता है। और वो झंडा जो लहरा रहा है वहाँ गणेश जी दरबार। और ये देखिए यहाँ बंदर जो हैं, इन बंदरों के लिए कुछ चने केले आप लेकर आ सकते हैं अपने साथ में। ये किसी पर अटैक नहीं करते हैं अपने आप, बस ये आपसे कुछ दाना चाहते हैं, अगर आप लेकर आए तो बहुत अच्छा है इन मंदिरों के लिए भी और आपके हाथों से भी जो है पुण्य हो जाएगा। तो गणेश जी दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये साक्षात हनुमान जी यहाँ रास्ते में गणेश जी दरबार के रास्ते में जो है विराजमान है। जय बाबा बजरंग बली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मंदिरों को आपको छेड़ना नहीं है। और इधर अन्नपूर्णा मंदिर है जो माता अन्नपूर्णा का ये अद्भुत मंदिर, यहाँ अंदर भीतर शिवालय स्थापित है। इनके इसके भी आप दर्शन जरूर करते हुए जाएं। अन्नपूर्णा मंदिर, ये मंदिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करे हुए हैं जहाँ गर्भगृह में एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। मंडप की दो पार्श्व दीवारों पर पत्थर से बनी एक एक दृश्य पट्टिकाएँ लगी हुई है जिसमें पक्षियों की पुष्पों के साथ में मरगोल की सज्जा बनाई गई है। स्तंभों पर देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो जहाँ आप अन्नपूर्णा माता के दर्शनों के लिए शिवलिंग के लिए भी दर्शनों के लिए आप यहाँ जरूर जाएं। और चलिए बढ़ते हैं गणेश जी दरबार की ओर। और ये जो आपको एक खंडहर सा जो दिखाई दे रहा है इसके आगे झंडा लहराता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, बस यही गणेश जी का मंदिर है। जल्दी हम पहुँचने वाले हैं गणेश जी मंदिर की ओर। ये देखिए बंदर जो है क्या हुआ, क्या हो गया इनको, क्या नाराजगी होगी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है ये बैरिकेटिंग लगाई हुई है, लाइन में आप लग के जा सकते हैं क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है
तो टूरिस्ट काफ़ी कम है अभी और हम आसानी से आज दर्शन कर पाएंगे। जय श्री गणेश। हवा बहुत अच्छी चल रही है, जो गर्मी भीषण गर्मी से हमें राहत मिली है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ गणेश जी दरबार की ओर? बहुत शांति मिली जैसे चप्पल। महिला कृपया ध्यान दें, अच्छी मजबूत चप्पल पहन कर आएँ, क्योंकि ये दुर्ग पे चढ़ते समय देखिए ऐसे चप्पलें जो हैं टूट जाती है जिन्हें, और या फिर अपने साथ में सिलाई करने के लिए कोई साधन जरूर से लेकर आएँ। और देखिए ये आप देखेंगे कि रेलिंग पर जो हैं धागे बंधे हुए हैं, दिखा देता हूँ आपको, ये मन्नत के धागे हैं जो कि लोगों ने रास्ते में बांधे हुए हैं इस तरह से। ये इस तरह से जो है मन्नत के धागे बंधे हुए हैं, आप अपनी मनोकामना यहाँ रख सकते हैं। और बस कुछ क्षण और बचे हैं गणेश जी दरबार की ओर, हम पहुंच चुके हैं गणेश जी दरबार में। यहाँ प्रसाद की दुकानें सजी हुई है, नाश्ता भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मंदिर है, गणेश जी के लो आत्मा दो लो। ये गणेश जी का मंदिर आपको दिख रहा होगा और इधर ही ये नाश्ते की और प्रसाद की दुकानें सजी हुई है। यहाँ सिद्धि विनायक रणत भवर नाश्ते की दुकानें यहाँ सजी हुई है जहाँ आप चाय का मजा ले सकते हैं। नाश्ता अगर आपको करना है, यहाँ कड्डी कचौरी मिलती है, राजस्थान की प्रसिद्ध भुजिया भी मिलती है, और चाय तो एक नंबर यहाँ बनती है। प्रसाद वगैरह भी आपको यहीं पर जो है मिल जाता है, आप यहाँ प्रसाद ले सकते हैं। देखिए क्या है, मदन मोहन जी साहब, मदन मोहन जी साहब वहाँ विराजमान है गणेश जी के मंदिर के बिल्कुल बाहर, और बिल्कुल शुद्ध देसी घी से बने जो हैं लड्डू आपको यहाँ मिलेंगे। आप यहाँ लड्डू ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, पूजा की सामग्री भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको, और यहाँ से आप जो है पूजा की सामग्री लेके और फिर जो है मंदिर में प्रस्थान कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब चलते हैं मंदिर की ओर। जी की अति कृपा से आज हमारे साथ में मुदित शर्मा जी हैं, साथ में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सरोज शर्मा जी, और ये हमारी धर्म पत्नी पुनीता अग्रवाल, गाड़ी की मालकिन, मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं, और ये जिनके परम आशीर्वाद से, जो क्योंकि गणेश जी को इंट्रोड्यूस तो इन्होंने ही करवाया, गणेश जी तो मालूम ही है हमको, लेकिन यह हर बार दर्शनों के लिए हमारे बिग बॉस डीके गुप्ता जी का शब्द नहीं है मेरे पास किस तरह से धन्यवाद करूं मैं हृदय से कि हमेशा जो है गणेश जी के दर्शनों के लिए हमें यहाँ लेकर आते हैं। जय श्री गणेश। मंदिर में तो वीडियो फोटोग्राफी करना मना, आप चलो पूछ लेंगे, आप पूछ लो। वो त्रिनेत्र गणेश जी गणेश जी दरबार, दरबार में आप जब दर्शनों के लिए आएंगे, क्योंकि ये गणेश जी के दरबार का जो है मंदिर के बाहर का दृश्य है,
जहाँ हजारों श्रद्धालु जो है एक बड़ा सा घंटा जो है गणेश जी दरबार में बीचों बीच लगा हुआ है। गणेश जी और इधर बंदरों का काफी आतंक तो नहीं बोल सकता है क्योंकि बंदर ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बस इनको कुछ खाने को चाहिए तो आप जरूर लिखा है। ये चारों ओर 360 डिग्री व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। जय श्री गणेश। मदन बटन दबा ले ना लाइट के अंदर साइड। त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर दरबार में आज हम आए हुए हैं और हमारे साथ में राम बाबू जी गौतम जी जो हैं यहाँ के पुजारी जी हैं। चलिए जानते हैं हम इनसे यहाँ की महिमा के बारे में। ये भगवान गणपति यहाँ स्वयं प्रकट है, नेचुरल है, पीछे पहाड़ पहाड़ में निकले हुए हैं। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण जी का अवतार हुआ था उस टाइम भगवान गणपति यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं, नेचुरल है। श्री मुखारविंद के दर्शन यहाँ गणेश जी महाराज की, रिद्धि और सिद्धि की दो पत्नियाँ हैं और दो लड़के हैं शुभ और लाभ, पूरा परिवार है। तीसरा नेत्र इनका बुद्धि का है, यहाँ अपन सबको बुद्धि प्रदान करते हैं। कोई भी कार्य करते तो पहला निमंत्रण यहाँ गणपति को यहीं दिया जाता है। शादी हो, मुंडन हो, आषाढ़ी के अंदर किसान लोग यहाँ निमंत्रण देने आते हैं, यहाँ से अनाज लेके जाते हैं, वो बीज बाज में डालते हैं, रिद्धि सिद्धि का भंडार भरते हैं गणपति भगवान और जो भी मनोकामना मांगते हैं गणेश जी महाराज पूरी करते हैं। ये यहाँ जो गणेश जी विराजमान हैं इनको रणत भंवर भी कहा जाता है, तो इसके पीछे क्या है? इसका मतलब है कि रणत भंवर गढ़ सो आओ जी विनायक जी महाराज जी, ये बोला जाता है। तो रणत भंवर का क्या है मतलब? रणत भंवर का ये है कि ये गढ़ है, ये भाई ये अपने जो भगवान गणेश जी को यहाँ द्वापर युग में जो भगवान ने जो रिद्धि सिद्धि की स्थापना जब करवाई थी तो विश्वकर्मा जी दो लड़कियाँ थी रिद्धि और सिद्धि, ये रणत भंवर पूरा दहेज में दिया गया गणेश जी महाराज को। तो द्वापर युग का मतलब ये तो मंदिर बहुत प्राचीन हो गया, भगवान श्री कृष्ण के समय के से स्थापित है। पर्दा लग गया है और पूजा की आरती का समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री गणेश। Thank you.
जैसा ये एक जो है पगडंडी जैसा रास्ता जा रहा है जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, नीचे की ओर उतर सकते हैं, ये शॉर्टकट भी कह सकते हैं आप। ये देखिए पगडंडी के दोनों ओर आप देखेंगे कि हज़ारों लाखों की संख्या में जो है भक्तों ने अपने मकान बनाए हुए हैं। अब ये केवल मान्यता नहीं हो सकती है क्योंकि लोगों के यहाँ काम हुए हैं, लोगों के यहाँ अपनी मनोकामनाएं लोगों के यहाँ पूर्ण हुई है और ये पत्थरों के घर इस चीज़ को बयां करते हैं कि लोगों के यहाँ वास्तव में घर बने हैं। बेहद ही शांत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस जगह पर आकर आप एक अलग ही अनुभव को महसूस करेंगे। वास्तव में ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थान जो है वो मन को मोह लेते हैं और यहाँ से ये रास्ता जो है आगे मेन रास्ते से जो है जुड़ जाता है और जगह जगह कचरा पात्र रखे हुए हैं जहाँ आपको अपना जो कचरा है जो यहाँ डालना चाहिए। और यहाँ कुछ है, यहाँ है जैन मंदिर, यहाँ पर ये जैन मंदिर है जहाँ आप दर्शनों के लिए अंदर जा सकते हैं। चलिए, मंदिर का खुला मंडप एक गर्भगृह की योजना थी, कालांतर में इसमें काफ़ी बदलाव किए गए। खुले मंडप को ईंटों की जालियों से बंद कर दिया गया, तो यहाँ ध्यान मुद्रा वाली एक आधुनिक प्रतिमा पद्मासन में विराजमान है। आप जैन मंदिर के दर्शनों के लिए भी जा सकते हैं। चलिए हम सीधा आगे बढ़ते हैं उतरने के लिए। जैन मंदिर जो आप देख रहे हैं ये इस रणथंभौर दुर्ग का सबसे प्राचीन सबसे पुराना मंदिर, गणेश जी का मंदिर से भी पुराना। अच्छा, और आपको ये ताज्जुब होगा पूरे एरिए के 13 किलोमीटर के इलाके में हाँ जी एक यही मंदिर है जिसको बनाने की परमिशन मिली है। पूरे भारत के अंदर पुरातत्व संरक्षण का अकेला एक मंदिर है। अच्छा, जिसको बनाने की परमिशन मिली है। अच्छा, ये वापस बनाया गया, पूरा बनाया गया है, पूरा ढस गया था, पूरा देख रहे हो ना, नहीं तो आज तक किसी को नहीं मिली। ठीक, वहाँ वो फिर वो ढांचा चेंज हो जाता है पुरातत्व। ये जैन मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। ज्यादा आने लग गए यहाँ पे जब पधारे थे। बहुत ही अद्भुत कलात्मक मंदिर जो है, बहुत ही प्राचीन मंदिर। देखिए, दिखाते हैं आपको, बहुत ही प्राचीन मंदिर बताते हैं। जैन मंदिर से कुछ ही कदम पर जब लक्ष्मी नारायण टेम्पल है ना, कुछ ही कदम दूरी पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ये प्राचीन मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आइए अंदर चल के दर्शन करते हैं। करोड़ पे विराजमान है भगवान। ये लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है जो यहाँ भगवान गरुड़ पर विराजमान है। कहाँ है गरुड़ जी? गरुड़ जी है नीचे ड्रोन के डिग्री नहीं। हाँ हाँ, बीच वाले पर। रणथंभौर दुर्ग में देखिए, ये जो पीछे दिखाई दे रहा आपको, ये जैन मंदिर है और यहीं से थोड़ा सा इधर अगर मैं घूमूं तो ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बिल्कुल इसके सामने ही है जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। तो ये सामने ही जो है जैन मंदिर है और इधर से ही जो घूम के ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के यहाँ से वापस जो है गणेश जी की ओर जाने वाला रास्ता ये इधर जुड़ जाता है और वापस जो आप रिटर्न जाना चाहते हैं तो इधर से जो है
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ के आप जा सकते हैं। अगर आप गणेश जी दरबार में जा रहे हैं तो रास्ते में यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर, काली का मंदिर का बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा। आप कोशिश करिए पहले गणेश जी के दर्शन करके आइए और फिर रिटर्न में जो है ना आप काली का मंदिर से होते हुए जैन मंदिर होते हुए लक्ष्मी नारायण जी मंदिर के दर्शन कीजिए। ये देखिए इस तरह से पानी जो है ना ऊपर आता है नीचे से, इसलिए पानी बर्बाद मत कीजिए, एक एक बूंद का जो है आप उपयोग कीजिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आपके पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। अगर आप इससे हाथ मुंह धोने लगेंगे तो ये उचित नहीं है। पीने का पानी पीने के लिए उपयोग में लीजिए। आ ये विशाल दरवाजे इतिहास की गवाही को देते हुए क्या सांकला लगाई है इसने, हेरिटेज सस्टेंड योर हेरिटेज फील ग्लोरियस। देखिए क्या झरोके बनाए हुए हैं शानदार। वो पीछे आ जा। यूं हाथ दिलाओ भाई, मानना क्यों था, यूं डरो, देखो ठेठ पहाड़ पर चढ़ गया ऊंचा। जय गणेश जी महाराज की जय हो। माखो बिल्ली जोड़ खड़ी, हां ताकि भी ले वहां। बोलो गणेश जी महाराज की से मरते बंदर ने जो है बोतल छीन ली है और बड़े ही प्रेम से देखिए पानी पी रहा है। तो इन बंदरों के लिए आप थोड़ा पानी भी ला सकते हैं। हमारी विरासत हमारा गौरव। छोड़ो गर्मी कितनी है, तो यार गर्मी तो इनको भी लगती है। आज तो भाभी जी गजब कर दिया आपने, मंदिरों को खाना भी खिला दिया, पानी भी, सारा पुण्य प्रताप आपने ले लिया। साहब गणेश जी महाराज के परम पावन दर्शनों के बाद में हम पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए, तो बहुत ही अद्भुत और आनंदित कर देने वाले दर्शन हमें हुए हैं। यहाँ से आप ये पत्थर की गणेश जी की प्रतिमाएं भी आप खरीद सकते हैं। क्या हिसाब से होती है भाई साहब मूर्तियाँ? मूर्तियाँ जो क्या हिसाब से होती है? पत्थर की होती है 100, 150, 200। ये जो पत्थर की है, रेड पत्थर की ये वाली? हाँ, तो 250 रुपये की त्रिनेत्र वाली। देखो यहाँ से आप गणेश जी की जो है ना प्रतिमाएं खरीद सकते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी की प्रतिमाएं, ये और कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये जैसे ये कैरी हुई है पत्थरों पर, बहुत ही अद्भुत, आप यहाँ से जरूर खरीदें जब भी रणथंभौर आए, यहाँ से आप प्रतिमाएं जरूर खरीदें। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय जी के यहाँ पर आपको पूरी रेंज मिल जाएगी, ये बिल्कुल कॉर्नर पर दुकान है, आप जरूर खरीदें।
बंदरों को इस तरह से आप चने खिला सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक देखिए हमारे भौजाई साहब अभी। आओ बंदर उतर के आओ, आओ उतर के आओ, आओ आओ उतर के आओ। मैं खाऊंगा, हाथ में से खाऊंगा। देखो हाथ में से खा रहा है। अबे चार चने खाए तूने, बिखेर दिया सारे। चार बंदर है इसका नाम बंदर। बंदर भाई भाई, दो बंदरों को एक साथ तीन बंदर चने खिलाते हुए और एक बैठ के खिला रहा है। बैठ के बैठ क्या रहा है। अब हाथ को टेढ़ा रखो, थोड़े से हाथ को टेढ़ा रखो। खचले हुए बस बंदर मिलेंगे। देखो बंदर किस तरह से चने खा रहे हैं। बैठा के चने खिलाने का आनंद अलग ही आनंद है। वाह भाई वाह, पूरा आनंद ले लिया आपने। चलो ऐसे देखो कैसे हमारे बॉस। ये देखो ये कैसे खिला रहे हैं। इधर देखो बिग बॉस, एक 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 चना भी नहीं गिनने दिया, बिल्कुल प्यार से। भाई 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 भाई, कैमरा मत कोसना, कैमरे से फोटो खींच लो एक मिनट। वाह भैया, ये देखो हमारे मुदित शर्मा जी जो है बड़े प्रेम से एक एक चना। अब आ गया भाई, मार साहब को तरीका आ गया, अब तो भौजाई साहब को भी आ गया। डर का मारा आपने, ढंग से खिलाया नहीं पहले। अब समझ में आ गया, बंदर के भी समझ में आ गया कि ये अपने भसी की है कैटेगरी। मतलब सही कैटेगरी बस। अरे वाह भाई वाह, लाड भी लड़ा लिया। अरे ऐसे भटका खा जाएगा, इरिटेट मत करो आप। इसने मेरा हाथ पकड़ रखा है। बंदरों को खाना खिलाने का भरपूर आनंद लेने के बाद अंदर चने की खाली है, गिरनी चाहिए। भरपूर आनंद ले लिया। हाँ वो जैसा अंदर आपने बंदरों को चने खिलाए, आपको कैसा लगा? बहुत ही प्यारा सा, एकदम एडवेंचर जैसा। अभी आगे नीचे शेर भी मिलेगा, उसको एक बकरा खिलाना, अपना हाथों से बकरा खिलाना ऐसे। देखा भाई बकरा, फिर मैं बोलूंगा, फिर बोलना अलग हीट मेरी फोटो। बकरा खिलाते हुए खत्म कर देना चाहिए। ये मन्नत के धागे इस तरह से लोग यहाँ बांध कर जाते हैं, जहाँ मन्नत पूरी होने पर क्या करते हैं, धागा वापस खोलते हैं या नया धागा बांधते हैं। देखो इधर गणेश जी के मंदिर के पास से जो है देवी का मंदिर है, और वो देवी का मंदिर घर वाला, घर वाला तो कहीं भी बना सकता है, छाया में बनो। आ जाओ देवी माता के मंदिर के लिए, सिद्ध पीठ काली का मंदिर। काली मंदिर के उधर ही मिल जाएगा। इधर से जो है जब आप वापस रिटर्न आएंगे गणेश जी दरबार से, तो ये उल्टे हाथ की तरफ आपको यहाँ सिद्ध पीठ काली का मंदिर जो है देखने को मिलेगा। ये देखिए, और ये एकदम ऐसा जंगल की फीलिंग के साथ में यहाँ पर जो है आप गुप्त काली का मंदिर की तरफ जा सकते हैं। हम जा रहे हैं गुप्त काली का दर्शनों के लिए। ये इसमें गाड़ी के अंदर खुशबू आती है, ऐसे खुशबू आ रही है गाड़ी के अंदर, आते नई गाड़ी में वैसे खुशबू आ रही है, नहीं आ रही? हाँ मतलब ये परफ्यूम गाड़ी का इधर से कहीं से निकाला इन पेड़ों में से, ऐसा लग रहा है। नई गाड़ी में जो आती है ना प्लास्टिक में, एक अजीब सी खुशबू आती है, वैसे खुशबू आ रही है। यहाँ बनाओ भाई मंदिर, मंदिर क्या घर ये देखो, बहु मंजिला किला बना हुआ है बड़ा। हाँ हाँ, तीन चार मंजिल का ये घर बना हुआ है। देखो यहाँ बना लो, पत्थर तो घर से लेकर आने चाहिए थे लोगों, मकान भी लोगों के पैसे से बनाओगे क्या? बनाओ बनाओ बनाओ, बेंगलोर में बन रहा ऑफिस। ये देखिए गणेश जी महाराज,
मेरे बेटे का अच्छा सा सुंदर सा ऑफिस बना ना। चलो दो घर मत तोड़ लोगों का। नहीं नहीं वाह हाँ बहुत है। ए, नहीं वो बोल तीन मंजिल बोला है। हो गए तीन मंजिल एक नीचे एक ऊपर एक ऊपर है। तोड़ मत किसी का। अरे तोड़ा हुआ नहीं है तो टूटा हुआ है। नहीं नहीं इसको मत रहने दे बस चल बन गया। जय गणेश जी। जय गणेश जी देख ले हमारा घर तो बना चुका है गणेश जी। अब ऑफिस की तैयारी है। गाड़ी भी दिला दी है भगवान ने। और अब सिद्ध काली का मंदिर की ओर हम आगे बढ़ते हुए जय श्री गणेश। हैं क्या बन रहा है आपके मकान ऑफिस स्कूल तो सब बन गए। क्या छोटा सा मकान। अच्छा एक छोटा फार्म हाउस क्योंकि आपने चारों तरफ खुला रखा है कॉलोनी में नहीं बनाया। इससे लग रहा है कि फार्म हाउस बनाया है आपने। अरे 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 तो अभी पैर में लग गया थी। फार्म हाउस पर ये क्या लगाया। जय हो अद्भुत अद्भुत शंभो। मैं बन गया अब इससे बड़ा क्या फार्म हाउस बनाओगे। कार खड़ी कर दो एक आगे बड़ी सी मर्सिडीज खड़ी कर दो आगे। ये खड़ी कर दो। हाँ ये तिकोना पत्थर है ये मर्सिडीज। अरे दो तीन गाड़ियाँ खड़ी कर दी पूरा ट्रक ही खड़ा कर दिया बस खड़ी कर दी स्कूटी भी स्कूटर तो चाहिए भाई उसके बिना तो दिक्कत है। हर जगह गाड़ी लेके नहीं जा सकते। लो साहब बड़ा बंगला ऑफिस सभी जो है बनाकर लोग जा रहे हैं। यहाँ हमने भी हमारी मनोकामना रख दी है। गाड़ी का कर्जा गणेश जी भगवान की कृपा से जल्दी ही चूक जाए तो फिर अगली प्लानिंग हो। जय गणेश जी भगवान। ये हमारे मित्र श्री श्री 1008 मुदित शर्मा जी। ये देखिए दोनों पति पत्नी बहुत ही मेहनत करके देखो किस तरह से पहले बंदरों को भोजन कराया और अब एक बड़ा सा फार्म हाउस क्योंकि इन्होंने देखो अलग से बना रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले नहीं बना रहे क्योंकि इनके 2 बीघा जमीन में ही बनाएंगे। ओहो देखो साहब ये बड़ा ही धर्म पत्नी जो है पूरा सहयोग कर रही है। भैया घर के बाहर है ना वो 6 सीटर गाड़ी भी खड़ी कर लेना एक। ओके दीवार मत तोड़ो। ओ भैया भैया वो ले लो बड़ा वाला। भैया वो बड़ा अलग पड़ा है ना ये ले लो आगे सिक्स नहीं नहीं आगे देखो तो हाँ ये ऊपर छत बन जाएगी बहुत अच्छी। अरे फूफा जी तो बहुत बड़ी छत लाए हैं। हमारे बॉस बॉस का सहयोग। अरे बाहर एक वो 6 सीटर गाड़ी खड़ी कर ले भैया। आप गाड़ी भी खड़ी करो। ये तो ट्रक हो जाएगा। ये ट्रक हो जाएगा बड़ा 6 सीटर खड़ी करो 6 सीटर लगाओ यार ऐसे यो पूरा आप तो लालच करने लग गए। अरे ये बढ़िया है ट्रक हो जाएगा भाई। ऊपर एक मंजिल और बना रहे हैं। अच्छा हाँ ये 6 सीटर आपके सही है या आपका हाथ में जो ये 6 सीटर एक साइड में बनाओगे भैया। ये अरे वाह भाई वाह 6 सीटर। अरे स्कूटी भी रखे एक स्कूटी छत ये छत मकान का निर्माण हो रहा है बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही तेजी से। ये टेप बड़ा है ना वो दे दे। अरे बड़ा होगा तो कभी हम भी जैसे जाएंगे तो फार्म हाउस पे बस 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 भैया और कुछ नहीं। वो दे अरे वो दे अरे राम भैया भैया ज्यादा ऊंचा नहीं इसमें ऊपर टंकी रखो टंकी पानी का टैंक। अरे ये नहीं टिकेगा भाई नहीं टिकेगा या तो वो बड़ा पत्थर लगा इसको पीछे लगा दे पिरामिड छोड़ हाथ हटा जा रहा है नीचे। अरे इसको ये पीछे वाला को हटा ये इस पर बेस ही नहीं है पीछे रख दो। अबे रुक अरे मैं जो कह रही मानती नहीं। अरे नीचे इनका ही मानना पड़ेगा कहना नीचे बेस नहीं है दादा इसको नीचे उतार दे या इसके पीछे यहाँ इसके पीछे रख दे सपोर्ट बस आप छोड़ दे काटर लगा दे काटर। ये लालच बुरी भला है ये अति लालच में आ गया ये व्यक्ति। चलो रुक गया। हाँ ये स्कूटी रख दे छोटी ये हाथ में है जो
स्कूटी, अरे स्कूटी नीचे, अच्छा टंकी रख, आइए टंकी बोला गणेश जी भगवान की। देखो ये बहुत ही लालची है व्यक्ति, हमने मतलब पर देखो हमारे एक मित्र ने बोला है कि भगवान से और ग्राहक से हमेशा ज्यादा मांगो, जितना मांग सकते हो उनसे कम क्या मांगना, गाड़ियां ही गाड़ियां होनी चाहिए। तो देखो इसमें लालच नहीं कहते हैं, बाहर नीचे ये गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी कर दी है, साइकिल से लेकर आर्टिगा तक, मकान बन गया। चलो गणेश जी भगवान जी महाराज, असली मकान देखो, दोनों मियां बीबी जो है अपना मकान जो है, कोई बीबी मियां नहीं है, कोई बीबी नहीं है, पति पत्नी है, दोनों पति पत्नी है, वर वधू जो है वो भगवान हमारा ऐसा मकान बनवाए बड़ा चौड़ा, हम वापस गणेश जी के आएंगे। एक सिक्स सीटर गाड़ी मेरे को गिफ्ट करना आप, पहले तू मेरे को फोर सीटर गिफ्ट करना है, फाइव सीटर, ये फाइव सीटर मैं गिफ्ट कर दूंगा अगर हमारा प्रोजेक्ट क्लियर हो गया तो, बस तो ठीक है। देखो साहब यहाँ पे वादे हो गए सारे, सिक्स सीटर का वादा नहीं है अभी, नहीं ठीक सिक्स सीटर का वादा नहीं, इसका थोड़ा दिल कमजोर है पर हमने तो वादा कर दिया। यूं हाथ दिलाओ भाई, मानना क्यों था, यूं डरो, देखो टेढ़ पहाड़ पर चढ़ गया ऊंचा। जय गणेश जी महाराज की जय हो, माखो बिल्ली जोट खाड़ी, हाँ ताकी भी ले वहाँ, बोलो गणेश जी महाराज की। प्यासे मरते बंदर ने जो है बोतल छीन ली है और बड़े ही प्रेम से देखिए पानी पी रहा है, तो इन बंदरों के लिए आप थोड़ा पानी भी ला सकते हैं, हमारी विरासत हमारा गौरव। गर्मी कितनी है, तो यार गर्मी तो इनको भी लगती है, आज तो भाभी जी गजब कर दिया आपने, मंदिरों को खाना भी खिला दिया, पानी भी, सारा पुण्य प्रताप आपने ले लिया, पकड़ा नहीं है उसने, अच्छी तरह पकड़ो, पकड़ तो ले गिर जाएगी, नहीं पकड़ा नहीं है इसने, इसलिए